Minty Chewy number one. Well, आज का सवाल है कि आपके हिसाब से यहाँ मौजूद लड़कियों में से किसके सबसे ज्यादा अफेयर्स हो चुके हैं। अब इसके जवाब में इन्हें खुद को और एक दूसरे को रैंक करना है। रैंक 8 पर वो है जो लड़कों से फासला रखती है, और रैंक 1 का मतलब ये है कि वो बहुत सारे लड़कों की बहुत करीब जाती है। हमारी आज की प्रेजेंटर है उर्वशी, और उनके हिसाब से नंबर 8 पर है रक्षंदा, नंबर 7 पर है वो खुद, नंबर 6 पर है अनमोल। जो गलत डिसीजन है, यानी कि रक्षंदा से ज्यादा तेज है अनमोल। अभी बाकी की 5 लड़कियां सिर्फ यही सोच रही होंगी कि मेरा कब नंबर आएगा। अब देखते हैं उर्वशी के नंबर 5 पर किसका नाम आता है। उर्वशी, गिव मी सम कैश प्लीज। ओह, वी गॉट द आंसर। उर्वशी, कैश मेरा। कैश मेरा का मतलब डिप्रेशन में चली गई। 5वें नंबर उर्वशी, जाओ मुझे दिखा। रियली क्या है कि वो बोल्ड है, हाँ, पर थोड़ी कोल्ड। अरे यार, वो कृष्णा के साथ ये रासलीला रच रही है इतने टाइम से, तो मुझे लगता है कि नहीं, शी सेफ साइड नंबर 5। ओके, डजंट मैटर, थैंक यू। चल, कोई नहीं, व्हाट्स वन ऑफ यू अगेंस्ट 100 अदर मेन हु आर गोइंग टू रेट हर। थैंक यू। ये मेरा करियर बंद करवाने वाली है। ओके, फेयर इनफ। आप बताइए रागिनी कि आपने नंबर 5 पर किसे रखा है। ढोलकिया, सेफ जोन है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ढोलकिया क्यों? अरे, हर किसी पर इतनी टीका टिप्पणी, सबको पहचान लेती है। आज मुझे डिसअपॉइंट किया है आपने अपनी परख से रतन के बारे में। अनमोल, रतन के पास कश्मीर के पास चले गए। तो इतना एक्सपीरियंस ट्रायल एंड एरर के बाद ही आया होगा, तो ट्रायल एंड एरर जाहिर सी बात है काफी हुआ होगा, इसलिए मैंने 5 पे रखा है। एकदम ज्यादा भी नहीं होगा, इसलिए 5। ओके, अनमोल आप बताइए आपके लिस्ट में नंबर 5 पर कौन है। मैंने नंबर 5 पे अपने आप को रखा है। मेरे पास इसका रीजन भी है, क्योंकि देखिए अभी मेरी जो उम्र है उसके हिसाब से मेरे पास बहुत टाइम है आगे अफेयर्स और करने के लिए। 10 साल के बाद इस लड़की को मिलना 5 साल के बाद, बहुत आगे जाऊंगी मैं। प्लीज इसको प्लीज गुरु मानो सब। ये लंबी रेस का बहुत तेज घोड़ा है। आप लोग अभी ऊपर निकल चुकी है, लेकिन मेरे पास बहुत टाइम है। इस शो पे इसे इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत पड़ रही थी आज, लेकिन आफ्टर 5 इयर्स सबको पता चलेगा। अरे ये अनमोल, अनमोल नहीं, पता चलेगा कि अनमोल वाकई में अनमोल है। नहीं, अनमोल नहीं रहेगी तब तक। 5 सालों के बाद इतनी बड़ी आम, ऐसे कैसे हो सकते हैं कि अगले 5 साल में मेरे भूल रहे हो। इस शो पे पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ा था। ये एपिसोड के खत्म होते होते नो वन विल केयर के 7 अदर लड़कियां थी, सिर्फ अनमोल होगी, सिर्फ अनमोल। ओके, अब पूछते हैं उर्वशी से कि आखिर उनके हिसाब से उनके लिस्ट में नंबर 4 पर कौन है। जो खुद इतनी मेंटल है, उस पर्सन ने कितनों को मेंटल किया होगा सोचा है। तनस इज नंबर 4। यस, इवन आई नो दैट। पोटेंशियल की बहुत बात होती है। आई नो, तो मैंने तुझे 4 पर रखा। ओके, आई लाइक इट। तनस, आपने 4 पर किसे रखा है। मैंने 4 पे रक्षंदा खान को रखा है। ले, मेरी इतनी हाई रैंकिंग आई है, प्लीज एवरीवन क्लैप फॉर मी। थैंक यू। वो बहुत ही एलिगेंट वुमन है। एलिगेंट मतलब एलिगेंट वुमन की तरह पेश आती है, पर वो लड़कों को ये बहुत पसंद है, लेकिन कुछ लड़कों को ये पसंद नहीं भी है। उन्हें नॉटी लड़कियां पसंद होती है, इसलिए 50-50, मतलब उसके अफेयर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। आई थिंक थोड़ा सा उसे अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए लड़कों को, लड़कों के दिल को जीतने के लिए। बैड गर्ल्स गो एवरीवेयर। कश्मीर, अगर आपको एक टिप देना हो रक्षंदा को ऑन हाउ टू बी नॉटी, क्या टिप देंगी आप? मैं सिर्फ बोलती हूँ कि 40 के पहले नॉटी बन। तुम अगर अवेलेबल लगोगी तभी तो कोई पूछेगा ना। यू लुक मैरिड। रक्षंदा, 1 मिनट, नेक्स्ट टाइम जब तू किसी लड़के के साथ मतलब बाहर जाएगी या किसी लड़के को मिलेगी, तब ऐसा मत करना, हाय आई एम रक्षंदा खान, ऐसे मत करो। से हाय, मैं हूं रक्षंदा, लवली मीटिंग यू।
मैं तनाज की रैंकिंग चेंज कर रही हूं। रागिनी ये बताइए आपके नंबर चार पे कौन है? नंबर चार पे मैंने जिसको रखा है ना उसे तो मेरे भाई को ही नहीं छोड़ा है। तो अब भाभी के खिलाफ क्या बोलू मैं? कश्मीर नंबर कुछ मत बोलना, रक्षाबंधन आ रही है, गिफ्ट मैं ही डिसाइड करती हूँ। करिश्मा आप बताइए कि आपके लिस्ट पे नंबर चार पे कौन है? मेरे नंबर चार पर है रक्षंदा। ओके, आई एम मेकिंग प्रोग्रेस। उर्वशी देखो मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ। क्योंकि वो काफी सीनियर है सभी मामलों में। सीनियर सिटीजन बना दिया तो सभी मामलों में सिटीजन हो तू। Another word for old citizen. And काफी एक्सपीरियंस भी है। एक्सपीरियंस है तो काफी सारे अफेयर्स हुए होंगे अपने जमाने में। अपने जमाने में? अरे ऋषि कपूर की शादी भी नहीं हुए कुछ भी हो अपने जमाने में। मतलब अपना जमाना इस कॉलेज जगह बैठी ऊपर वालों का जमाना भी बदल गया। करिश्मा और मेरा जमाना तो सेम है। जब मैं अपने जमाने में थी करिश्मा कह रही थी जमाने को दिखाना है, वो उसमें बिजी रह गई। तो अभी जमाने जमाने का फर्क सिर्फ उतना ही है। अरे भाई छोड़ो हमसे है जमाना। कश्मीर आप बताइए कोई टिप। वो किसी को माँ बोलने से आप छोटे नहीं बनते। भाभी नहीं क्योंकि मेरी शादी हुई नहीं। शबीर नोट करना। जो मैंने रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया उसका मैं बिल क्यों भरूं? शादी नहीं हुई तो तू भाभी क्यों बोल रही है? एक शादी नहीं हुई माँ नहीं बनी तो मैं क्यों भाभी माँ बनूं? शबीर नोट करना। नोट। चलिए अब देखते हैं उर्वशी के रैंकिंग में नंबर तीन पर किसका नाम है। ये खम्बे जैसी लड़ी करिश्मा। क्यों क्यों क्यों? एक्चुअली क्या है कि बहुत पढ़ा है, बहुत कुछ सुना है, इसीलिए ये मेरा तुरुप का इक्का है। Let's see कि आखिर कश्मीरा ने नंबर तीन पर किसे रखा। देखो विदाउट एनी नॉलेज मैंने नंबर तीन पे अनमोल को रखा था। मैंने यहाँ लिखा कि उसके इंटेंशंस काफी ज्यादा स्कोर के हैं। लेकिन पर्सनल नॉलेज के हिसाब से वो नंबर तीन का टैग एब्सोल्युटली। ओके पारुल आप बताइए कि आपके लिस्ट पे नंबर तीन पर कौन है? योर नेबर उर्वशी। बिकॉज वो रियल लाइफ में भी ऐसी कोमोनिका है कि इतने सारे लड़के आते होंगे फिर कोमोनिका देखकर भाग जाते होंगे तो इवेंचुअली इतने सारे बॉयफ्रेंड्स बन चुके होंगे। बेटा तेरी रैंकिंग अभी तक हुई नहीं है। वो मुझे पता है, she's put me on number one. अब सिर्फ दो रैंक्स बचे। उरुशी के हिसाब से अब तक की रैंकिंग्स कुछ ऐसी है। रैंक नंबर 8, 7 और 6 पर है द गुड गर्ल्स रक्षंदा, खुद उर्वशी और अनमोल। वो डिफॉल्ट से। हाँ तो उरुशी हम आपकी बात मान लेते हैं कि हम आपसे और रक्षंदा से थोड़ा दूर ही रहेंगे। सच गुड गर्ल्स अनमोल वी विल ट्राई। अनमोल तो अभी मतलब आफ्टर हाउ व्हाट शी इज कन्फेस्ड अनमोल के लिए हम उरुशि के रेटिंग से नहीं जाएंगे। और जिनके हम थोड़ा और करीब जाना चाहेंगे वो है रैंक नंबर 5, 4 और 3 और उर्वशि के हिसाब से वो है कश्मीरा, तनाज और करिश्मा। अब बचे हैं सिर्फ दो और वो है रागिनी और पारुल। मैं आज नंबर 1 आके रहूंगी। हमारे उर्वशि के हिसाब से कौन है नंबर 1 जिसके सबसे ज्यादा अफेयर्स हो चुके हैं? कौन है वो जिसने कई लड़कों को अपने इशारों पर नचाया है? कौन है सबसे बड़ी बैड गर्ल? इस आखिरी ब्रेक के बाद पता चल जाएगा कि आज कौन है नंबर 1। तो जल्दी से जाइए और लौट के आइए ओनली ऑन G5 प्रेजेंट्स मीटिंग जूरी नंबर 1।